हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे हम अपने लाइफ में खुशियां ला सकते हैं, कैसे हम झगड़े को अवॉइड कर सकते हैं, ये सुनने का तकरीबन यही चल रहा होगा कौन झगड़ा करना चाहता है। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, किसी का भी जो शादी होता है तो शुरुआत में वो लोग का रिलेशन बहुत अच्छा रहता है, धीरे धीरे झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और झगड़ा बढ़ते जाता है और दोनों एक दूसरे से परेशान रहते हैं। पर आज का स्टोरी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये दो कपल्स के बारे में है जिन लोगों का सिल्वर जुबली पूरा हो गया है, मतलब 25 साल बीत चुके हैं, पर उन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन है कि जैसे लगेगा कि कल ही शादी हुआ है। ये सुनने का मन में ये चल रहा होगा, ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल हो गया। पर इस दुनिया में कोई इम्पॉसिबल होता नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है, स्टोरी क्या है, वही मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और कैसे वो लोग इतना अच्छा से रह रहे हैं, आज तक उन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया है, इसके पीछे का कारण क्या है। जैसा कि आपको पता चल गया होगा, आज का स्टोरी दो कपल्स के बारे में है। उन लोगों का लव मैरिज होता है और कहा जाता है 95% केसेस में लव मैरिज का डिवोर्स हो जाता है। पर कैसे वो लोग एक साथ इतने अच्छे से रह रहे हैं, के पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है, तो चलिए उसे मैं क्लियर करता हूँ। जब उन लोगों का शादी हो जाता है तो हनीमून मनाने के लिए लोग पहाड़ी इलाके में जाते हैं, वादियां देखने जाते हैं। पर जैसा कि कहानी में जब ट्विस्ट ना आए तो मजा आता नहीं है, इसीलिए वहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट होता है। वो क्या होता है, जब वो लोग वादियां घूम रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है मुझे घुड़सवारी करना है, घोड़ा का राइड करना है। तो उसका हस्बैंड कहता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जाकर तो घोड़ा हायर कर लेता है और दोनों अपने अपने घोड़े पे चढ़ जाते हैं। हस्बैंड का जो घोड़ा रहता है वो समझदार रहता है, हस्बैंड तो बहुत अच्छा से घुड़सवारी कर रहा है, मजा कर रहा है, एंजॉयमेंट कर रहा है। पर जो लेडी का जो घोड़ा रहता है वो थोड़ा नकचड़ा सा रहता है। जैसे ही लेडी उसके ऊपर बैठती है, अचानक से वो दौड़ने लगता है और थोड़ा दूर ले जाकर लेडी को गिरा देता है। लेडी कुछ बोलती नहीं है, उसके माथे पे हाथ फेरती है और कहती है ये पहला बार था इसीलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। फिर से वो घोड़ा पे चढ़ जाती है, फिर से घोड़ा क्या करता है, वो दौड़ने लगता है और फिर से जाकर लेडी को गिरा देता है। फिर से लेडी उठती है और घोड़ा के माथे पे हाथ फेरकर कहती है ये दूसरा बार था, मैं तुम्हें माफ कर दे रही हूँ, पर अब तू मत करना। फिर से वो लेडी थर्ड टाइम जो घोड़े के ऊपर चढ़ती है, फिर से घोड़ा वही काम करता है और थोड़ा दूर ले जाकर उस लेडी को गिरा देता है। इस बार लेडी उसे कुछ कहती नहीं है, उसके पर्स में एक रिवॉल्वर रहता है, निकाल उस घोड़े को गोली मार देती है और वो घोड़ा वहीं पर मर जाता है। ये देखने के बाद उसका हस्बैंड कहता है तुम ये क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या, तुमने एक जानवर का जान क्यों ले लिया, तुमने तो ये सही काम किया नहीं है। वो लेडी कहती है ये पहला बार था। इतना सुनते ही हस्बैंड चौंक जाता है और कहता है कोई बात नहीं है, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और दोनों वहां से निकल जाते हैं। और कहा जाता है 25 साल उन लोगों का शादी का हो चुका है, मैंने कभी इसे दोबारा पलट के जवाब नहीं दिया है, एक ही बार मैंने गलती किया था अपने लाइफ में, इसे एक बार ही मैंने बात बोला था जब इसने उस घोड़े को गोली मारा था और इसने कहा था ये पहली बार है। उसके बाद से आज तक मैं इसी का बात सुन रहा हूँ और इसी प्रकार से हमारा लाइफ बहुत अच्छा से चल रहा है। कोई भी अगर हम दोनों को देखे तो ऐसा ही लगेगा कि कल हमारा शादी हुआ है। तो फिर मैं आपको इस कहानी के बारे में क्या बताना चाहता था वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर चौंकने की जरूरत नहीं है, हंसने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपके मन में यही चल रहा होगा उसकी पत्नी ने अपने पति को ही धमका दिया था, पति ने तो पहला गलती कर दिया है, अगर दूसरा और तीसरा बार किया तो वो अपने पति को ही गोली मार देगी, इसका मतलब यही था। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर स्टोरी के माध्यम से बहुत अच्छा सीख हमें मिला है कि लेडी लोगों से कोई सख्ता नहीं है, इसीलिए उन लोगों से उलझने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आप उलझ गए तो आपका लाइफ स्वयं ही नर्क बन जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक इंसान बहुत सारे पैसा कमाकर मकान बना सकता है, पर उस मकान को घर बनाने वाले एक लेडी होती है। इसीलिए आप कहीं पर भी चल जाइए, कितने ही बड़े से बड़े घर में चल जाइए, हर इंसान कितने ही बड़े पोस्ट में हो, कोई भी काम करे, फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि अगर वो राजा भी है फिर भी अपना वाइफ का बात सुनता है और उसका हर बात को मानता है, क्योंकि वो अपने वाइफ को दुखी करना नहीं चाहता है। एक बार सोच के देखिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, आपको क्या करना है नहीं करना है ये आप पर डिपेंड करता है। आपके मन में ये चल रहा है नहीं हमें अपने लाइफ में शांति चाहिए, अच्छे से रहना है, हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी अपने वाइफ से या कोई भी लेडी से बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहस में जीत नहीं पाइएगा और लास्ट में दुख आपको ही होगा। और आपके लाइफ में जितना समय आपको मिला है उसे भी आप ठीक प्रकार से यूज नहीं कर पाइएगा, इसीलिए तर्क करने की जरूरत ही नहीं है, साइड से निकल जाने की जरूरत है और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि हम लोगों को भगवान ने 24 घंटे ही दिए हैं, इससे ज्यादा कुछ दिए नहीं है। आपके मन में चल रहा है कि नहीं 24 घंटे बहुत है, एक बार आप यूज करके देखिए 24 घंटे कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से टाइम निकल जाता है कि समझ में आता नहीं कि 24 घंटा कहाँ गया और हमने तो उतना काम किया ही नहीं। दुनिया में 95% इस प्रकार से सोचते नहीं है, इसीलिए तो 95% लोगों में फंस जाते हैं और इस प्रकार से रह जाते हैं कि लास्ट में उन लोगों को 5% इंसान को फॉलो करना पड़ता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको 95% के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं इसका मतलब यही है कि आप 5% इंसान में जाना चाहते हैं, इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप को इस प्रकार से बिल्ड करना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, इस दुनिया में कोई भी काम आपके लिए छोटा नहीं है। अगर आपको हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई भी काम को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये सोचना है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे ठीक प्रकार से करें और अपनी लाइफ आगे बढ़ जाए, कोई भी आपको हराने वाला होना नहीं चाहिए। अगर आपको किसी से कंपटीशन करना है तो स्वयं से करिए, औरों से नहीं, क्योंकि जिस दिन आप अपने आप को हरा के आगे बढ़ गए, अपने लेवल को अप कर लिए, आपको हराने वाला कोई होगा ही नहीं। ये मैं कहीं सुनी नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही, आपने चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो पहले वीडियो को लाइक और फिर शेयर करें। थैंक यू।